हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज किचन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन एंड चिकन कबाब। पहले मैंने मटन कबाब का रेसिपी दिखाया है, फिर मैंने चिकन कबाब बनाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, ये है मेरा इंग्रेडिएंट्स कबाब बनाने का। गाइज, मैं यहाँ पे 6 लहसुन ले रही हूँ, उसे मैंने फोल्ड लिया है। अदरक 2 इंच लिया है मैंने। गरी मैंने 100 ग्राम लिया है। पोस्तदाना मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। 4 बड़ी इलायची और 10-15 छोटी इलायची। 2 टेबल स्पून तिल, 2 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 इंच दालचीनी और सहजीरा 1/2 चम्मच, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून गोलकी, 1 टेबल स्पून लौंग, 10 से 15 कबाब चीनी, 1/2 टेबल स्पून जावित्री के फूल, 25 काजू, 20 सूखे हुए लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना फेनिग्री सीड, कच्चा पपीता, 2 केजी मटन कबाब बनाने के लिए। तो मैं 3 जार ले रही हूँ गाइस। और अब मैं बताती हूँ कौन सा मसाला किस जार में डालना है। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जीरा और गोलकी हम इस बड़े वाले जार में डालेंगे। जीरा गोलकी डाल रहे हैं, अदरक, बड़ी छोटी इलायची, लाल सूखी हुई मिर्च, लहसुन, लास्ट में प्याज ऐड कर रहे हैं। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं गाइस। इस जार में हम ले रहे हैं जावित्री, गरी, लौंग और कबाब चीनी, पोस्तादाना, सहजीरा और दालचीनी, तिल, मेथी दाना और काजू हम डाल रहे हैं। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे गाइस। लास्ट जार में हमें कटा हुआ पपीता लेना है छिलके के साथ और नमक, और हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम इन सब का स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद मिलते हैं। मसाला हमारा रेडी है गाइस, ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं। हमारा दूसरा मसाला गाइस, और ये भी एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब हम आते हैं तीसरे मसाले की तरफ। हमारा पपीता और नमक का तैयार हो चुका है गाइस। अब आइए हम इसे कबाब में डालते हैं। पहले हम पपीता डाल रहे हैं, पपीता और नमक, स्मूथ पेस्ट। अब हम ये वाला मसाला डाल रहे हैं जिसमें प्याज था, गरी और पोस्ता दाना, तिल वाला डाल रहे हैं। 100 ग्राम हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, कड़वा तेल। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है कि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सीख में, हमें इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे सीख में पिरो लेंगे और उसके बाद हम इसे आग में पकाएंगे। घंटे के लिए हमें इसे छोड़ना है गाइस। मीट थोड़ा मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तब हमें इसे को हम सीख में पिरो लेंगे और उसके बाद हम कोयले के आग में पकाएंगे। 10 पीस मैंने चिकन लिया है गाइस, चिकन कबाब बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं गरी, पोस्ता दाना और तिल वाला पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज और गरम मसाला वाला पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। लास्टली मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
इसमें हम पपीता का पेस्ट ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है इसका मीट चिकन का। इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ले रही हूँ गाइस, और हमें इस तरह से करना है। अब देख रहे हैं मीट कितना सॉफ्ट हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है, वो आराम से इसमें जा रहा है। इसी तरह से आपको भी बनाना है। हाथ बचा के करना है गाइस। हो गया हमारा एक पीक रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब मैं सारा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने रेडी कर लिया है गाइस, अब हम इसे आग में पकाएंगे। चिकन वाला यहाँ पे अभी हम चिकन वाला तैयार कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको इसी तरह से इसमें डाल देना है। देख सकते हैं गाइस, ये मैंने इसमें सब डाल दिया है, अब हमें इसे बस सेकना है। चूल्हा जल चुका है गाइस, आप देख रहे हैं लाइट में नहीं आ रहा था इसलिए मैं लाइट ऑफ करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें सीख में कबाब लगा हुआ इसके ऊपर रखूँगी। इतना पक चुका है गाइस, आप देख रहे हैं, और इसमें बहुत धुआं हो रहा है इसलिए मैं आपको क्लिप लेके दिखा नहीं पा रही। देखिए मैंने साइड चेंज कर दिया था, जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। कबाब रेडी होने वाला है गाइस, रेडी हो चुका है गाइस, और अब हम इसे निकाल रहे हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है गाइस, अब हम इसे गार्निश करेंगे। हमारा कबाब रेडी हो चुका है, अब हम इसमें बटर डालेंगे और इसे गार्निश करेंगे। गाइस मेरा कबाब रेडी हो चुका है, अब मैं इसे बटर से बटर इसमें डालूंगी और इसे गार्निश करूंगी। अगर गाइस आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। यहाँ पे मैंने कच्चा पपीता का स्लाइस काट लिया है गाइस। अब मैं इसमें अनियन रख रही हूँ, प्याज, और हमें इसे सैलेड के साथ खाना है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। ये गार्निश हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस। चिकन कबाब आप देख सकते हैं, ये पूरा पक चुका है, ये पूरा पक चुका है गाइस, आप देख सकते हैं, ये एकदम आराम से हाथ से टूट रहा है। और आप भी इसे ट्राई करिएगा और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।